Dear students, in this module we are going to talk about what is sociology. So we will discuss its about its definition and about its subject matter. So keeping in view sociology's formal definition, it's the scientific study of society and human behavior. It seeks to understand the patterns and dynamics of social interaction. It explores how social structures And institutions shape our lives and identities. So जब हम सोशोलोजी की बात करते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द के माहौल की बात करते हैं हम लोगों के रवैयों की बात करते हैं और हम ये देखते हैं कि लोग किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं उनके इंटरेक्शन के बातचीत के और उनके आपस में रवैयों के क्या पैटर्नस हैं तो सोशोलॉजी हमारे इर्द गिर्द के माहौल और हमारे इर्द गिर्द के माशरे के बारे में बात करती है सो so इट helps हेल्प्स अस टू क्वेश्चन एंड चैलेंज assumptions अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इसका मतलब ये है कि हम बहुत सी चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हमें अंदाज़ा नहीं होता और हम अपने मुशरे के अंदर जो चीज़ें बचपन से सीखते आ रहे होते हैं हमें ये लगता है कि शायद यही ठीक हैं लेकिन एक सोशालोजिस्ट जो है वो बारीक बीनी से चीज़ों का मुशाहिदा करता है और मुशाहिदा करते हुए वो देखता है कि किस तरह से हमारे रवैये जो हैं वो साइंटिफिकली अंडरस्टैंडेबल हैं तो सोशियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो असल में हम एक ऐसे डिसिप्लिन की बात करते हैं जिसमें हम चीज़ों को टिपिकली टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते जो चीज़ें हमारी तरबियत का हिस्सा रह चुकी हुई हैं हो सकता है कि उनमें से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो गलत हों बहुत सी चीज़ें सही हों हमें प्रॉपरली अंदाज़ा नहीं हो पाता क्योंकि हम चीज़ों को जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं सोशियोलॉजी जो है

वो लेबॉर्टरीज़ के अंदर या फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर एम्पेरिकली चीज़ों को स्टडी करते हुए अपने पर्सनल बाइसिस और प्रेजुडाइस को उसमें इन्वॉल्व नहीं होने देते और एक ऑब्ज़र्वेशन की बुनियाद पे ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे उसमें से कंकलूजनस ड्रा करते हैं बिल्कुल इसी तरह से जो सोशल साइंटिस्ट पर्टिकुलरली सोशालोजस्ट जो होता है वो अपने इर्द गिर्द के माशरे के माहौल को मद्नज़र रखते हुए रवैयों को मद्नज़र रखते हुए ऑब्जेक्टिवली उन रवैयों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है सो सोशोलॉजी कैन बी यूज़ टू एड्रेस द सोशल इश्यूज एंड प्रमोट सोशल चेंज इन अ वे हम आ, हमारा मकसद क्या होता है बेटरमेंट ऑफ़ सोसाइटी तो बेटरमेंट के लिए बहुत बाज़ात हम ये देखते हैं कि हम अपने तरीके से जब किसी भी काम को करने लगते हैं माशरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं या रवैयों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि हमारे प्रपोज किए हुए जो सोलूशन होते हैं वो उस कॉन्टेक्स के अंदर प्रॉपरली फिट इन ना बैठ रहे हों वो शायद चंद लोगों के लिए तो फ़ायदा मंद हो बहुत से लोगों के लिए शायद फ़ायदा मंद ना हो तो एक तरह से ये हमें एक ब्रॉडर पिक्चर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है जो कि लेटर ऑन पॉलिसी मेकिंग या पॉलिसी फॉर्मूलेशन में हमें हेल्प कर सकती है एंड इट इज़ अ ब्रॉड एंड डाइवर्स फील्ड डैट covers a रेंज ऑफ टॉपिक्स एंड approaches. ये सिर्फ जो है माइक्रो लेवल तक महदूद नहीं है दो इंडिविजुअल्स के रवैये को स्टडी नहीं करती है बल्कि मैक्रो लेवल के ऊपर भी जो है स्टडी करती है जैसे माशरों का एक दूसरे के साथ किस तरह का ताल्लुक है दो कंट्रीज़ आपस में किस तरह से जो है वो तल्लक रखती हैं जो लार्जर ग्रुप्स हैं या लार्जर कम्युनिटीज़ हैं उनका आपस में इंटरेक्शनल पैटर्न्स किस तरह से होते हैं सो so, सोशियोलॉजी इज़ रेलिवेंट टू आवर एवरीडे लाइफ एंड द वर्ल्ड वी लिविन तो इसका ये मतलब है कि हमारे ना सिर्फ ये हमारे इर्द गिर्द के माहौल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है बल्कि लार्जर सोसाइटीज़ और ग्लोबली स्पीकिंग बहुत सी सोसाइटीज़ का आपस में जिस तरह से इंट्रैक्शन होता है उसको भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है